कोई नदी भी है क्या? अच्छा इतना सारे लोग कर रहे हैं लाइव आने के लिए। मैं ठीक है, लाइव अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। हेलो नो नेटवर्क कल हमारी फिल्म 24 अगस्त को जो रिलीज होने वाली थी संघर्ष, जो कि कल रिलीज हो चुकी है और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है और स्टोरी को काफ़ी लाइक किया जा रहा है और फर्स्ट टाइम मल्टीप्लेक्स में मूवी रिलीज़ हुई है, भोजपुरी फिल्म। सो हमारे लिए बहुत प्राउड फीलिंग है एंड बहुत अच्छा लग रहा है हमें। कल मैं खुद गई थी देखने के लिए, मैं थाने गई थी देखने के लिए विवियाना मॉल में, जो सिनेपोलिस वहाँ पे मल्टीप्लेक्स है, हमने उसमें बैठ के देखा है और बहुत मज़ा आया मुझे देखने में। और मल्टीप्लेक्स में देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। सो यस, मैंने बहुत इन्जॉय किया और मेरी मामा भी आई थी साथ में और वो लिटरली रोने लगी थी मूवी देख के। सो आप सब भी ज़रूर देखिए। सी, मेरी माँ आई थी, मतलब माँ के साथ या हमारे परिवार के बहन बीवी हो आपकी या बेटी हो, सबके साथ मूवी देख सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी माँ को लेके गई थी। सो आप लोग जाइए और मूवी देखिए संघर्ष, जो कि कल रिलीज़ हुई है, यूपी बिहार बॉम्बे हर जगह रिलीज़ हुई है, तो ज़रूर देखिए। और जो अब मेरे साथ हैं मिस्टर खेसारी लाल यादव, उनसे हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हेलो, कल लाइट जला ली हम आपके तरह गोरे तो नहीं है ना, आप स्मार्ट हैं। तो नमस्ते, प्रणाम आप सबको और दिल से थैंक यू कि आप लोग एक अच्छे सिनेमा के सपोर्ट कर रहे हैं। पी बी आर में कई जगह रिलीज हुई है वो, और आज पटना में भी फुल था मॉल में, हर जहां भी लगी है सिनेपोलिस है, आपके मुजफ्फरपुर में भी थाने में लगी है, तो कई जगह यहाँ तक कि टाटा बोकारो जयपुर की धनबाद कई जगह लगी है हमारी ये सिनेमा। तो मैं चाहूँगा कि आप सब इतनी ही प्यार दीजिए, और ये सिनेमा मेरे दिल के करीब है क्योंकि इस सिनेमा को मैंने लिखा था आज से 2 साल पहले, जब मेरी एक बेटी का इंटरव्यू आया था, उसने बोला था कि मैं आईपीएस बनूंगी, तो ऐसे ही बैठे बैठे मैंने एक सिनेमा सोचा था और मैंने पराग जी को बताया था, रत्नाकर जी को बताया था, उन लोगों ने इस सिनेमा को करने का काम किया और राकेश त्रिपाठी ने इसके डायलॉग लिखे और कमाल के डायलॉग लिखा उन्होंने और एकदम नेचुरल चीज़ें उन्होंने उतारा है। मैं राकेश जी का दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी सोच को इतना बखूबी से उतारा, उसके लिए दिल से थैंक यू, और पूरी संघर्ष की टीम को दिल से थैंक यू कि मैं, मेरी बेटी ने जब बोला था इंटरव्यू में कि मैं आईपीएस बनना चाहती हूँ पापा, तो उस वक्त मैं बोला कि उसके लिए मुझे कितना संघर्ष करना पड़ेगा। और हर बाप जब हमें समझदारी तब होती है जब हमारे अपने औलाद होते हैं, और उस सिनेमा में मेरी बेटी बड़ी है और तब मुझे एहसास अपने पिता और अपने माँ का हुआ है कि हमारे माँ बाप हमें कितने कष्ट और कितने परिश्रम से हमें पालते हैं और हमारी हर उस खुशी के लिए हर पल मरते हैं, क्योंकि मैंने इस अपनी बेटी के लिए हर वो चीज़ किया है जो उसकी खुशी के लिए। फिर भी हम अपने माँ बाप को दोषी ठहराते हैं कि आपने मेरे लिए क्या किया है। तो ये सिनेमा अगर आप चाहते हैं कि आपके औलाद अगर थोड़ा भी आपसे अनबन करता है तो प्लीज़ इस सिनेमा को आप दिखाइए, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरी एक बेटी है जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ, मेरे जीवन की सबसे अनमोल रतन है मेरी कृति, जिसको बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं, और उसी से ही प्रेरणा मिली है मुझे ये सिनेमा सोचने का। तो 2-2.5 साल पहले मैंने इस सिनेमा को सोचा था और मैंने पराग जी को बोला, तो पराग जी का पेशेंस बहुत, मैंने क्या बताऊं कि डेट पे डेट मेरा बढ़ते गया और हम लोग डेली कहानी पे, राकेश जी ने खूब जम के मेहनत की, जो मैंने कमी छोड़ी थी उस कमी को उन्होंने पूरा किया, जो उन्होंने छोड़ा था हम सब पूरी टीम मिलकर एक एक छोटे छोटे चीज़ों पे काम किए, और आज हर इंटरव्यू में लोग या हर मीडिया के लोग आज सराह रहे हैं
उस सिनेमा को, तो मैं चाहता हूँ कि एक अच्छे सिनेमा को आप ही बदल सकते हैं। हमने कोशिश की है एक अच्छा सिनेमा बनाने की, और जो जा रहे हैं वो सिनेमा को देखकर अपने आप को भोजपुरी होने का बोल रहे हैं कि मैं भोजपुरिया हूँ और हमारे भोजपुरी में ऐसे सिनेमा बनते हैं, तो ये मौका बार बार आएगा नहीं। और अच्छी सिनेमा आज अगर संघर्ष से आप सब चुप गए तो शायद ये आप सबकी भूल होगी कि आप सब एक अच्छे सिनेमा मिस कर गए। और मैं चाहूँगा कि प्लीज आप ढेर सारा प्यार जिस तरह बाकी सिनेमा को दिए हैं उससे कई गुना ज़्यादा इसको देना पड़ेगा आपको, इसलिए क्योंकि हमारी मिट्टी की सिनेमा है और अद्भुत सिनेमा है। प्लीज तो आप जाइए और ढेर सारा प्यार दीजिए हमारे संघर्ष को। हाय असलम खान जी, सर आई वांट भोजपुरी इंडस्ट्री डेवलपमेंट लाइक साउथ इंडस्ट्री। ऑफकोर्स असलम जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमारे जितने भी यहाँ पे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं अभी, सो हर लोग कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट से बेस्ट हम लोग ला सके और हमारी इंडस्ट्री को बॉलीवुड साउथ या जो भी जो लेवल पे सारी इंडस्ट्रीज हैं हम वहाँ तक पहुँचाएँ। और उसकी शुरुआत हो चुकी है मेहंदी लगा के रखना से, पटना से, पाकिस्तान से, और काफ़ी उसके बाद फिल्में आई हैं जो राजा जानी है, मैं सारा बंतिया आऊँगा, दुल्हन गंगा पार के, और ऐसी काफ़ी फिल्में हैं जो हम लोग लेके आए हैं और आज जाके रिलीज़ हुई है संघर्ष, जो कि बहुत चर्चा में है और भगवान करे कि और चर्चा हो इसकी, आप ही लोग करें एंड सब लोग देखिए। और बेस्ट थिंग ये है कि इस मूवी का कि मल्टीप्लेक्स में रिलीज़ हुई है, जो फैमिलीज नहीं देखने जाती है बिकॉज ऑफ थिएटर्स, जो फैमिलीज हैं तो जो देखना भी चाहती है बट थिएटर्स की वजह से नहीं कोई देखने जा सकती है, जो औरतें नहीं जाती है, सो आप सब ज़रूर जाइए और देखिए मूवी को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी के ऊपर फिल्म है और जो बेटियों के साथ होता आया है अभी तक हो भी रहा है कहीं कहीं किसी जगह पे, सो आप सब ये सिनेमा ज़रूर देखिए और आप सबको फिर आप सबको भी बेटियों से प्यार हो जाएगा और बेटी से ज़्यादा कोई किसी को प्यार नहीं कर सकता। सो ज़रूर देखिए। और इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है वो हमारे मुजफ्फर के ही हैं, मुजफ्फरपुर के ही हैं, रत्नाकर सर जी। सो उनकी पहली फिल्म है एज अ प्रोड्यूसर और उनकी वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड जो कंपनी है वो तो है ही, म्यूजिक कंपनी हाँ, सो वो है ही जहाँ पे आप इतने हिट सॉन्ग्स देख सकते हैं। सो उनकी फर्स्ट फिल्म है ये संघर्ष एज अ प्रोड्यूसर, तो आपके मुजफ्फरपुर की है, बिहार की है, तो आप सबको प्यार देना तो बनता ही है। और हमारे जो डायरेक्टर हैं मिस्टर पराग पाटिल, जिन्होंने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट लाया, इतनी अच्छी मूवी बनाई, डायरेक्ट की, सो उनको मैं ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगी। और हमारे सारे जितने भी आर्टिस्ट हैं, पूरी हमारे संघर्ष की पूरी टीम को, जैसे कि सारी जी हैं, रितु जी हैं, मैं हूँ, रीना जी है, अवधेश जी है, महेश जी है, मास्टर जी, और काफ़ी लोग हैं इस फिल्म में, सो सबको सुबोध जी, प्रेरणा सुबोध जी, और दीपक जी है जो मेरे फादर बने हैं, और जो हमारी प्यारी बेटी बनी है 17 साल की निशा, और उनकी मदर भी है इस फिल्म में, एंड जो छोटी सी क्यूट सी बेबी है जो हमारी दिखाई है खुशी, वो बहुत क्यूट है, तो ज़रूर देखिए और एंजॉय। और हमारी तरफ से हमारे बहन है जो उनके लिए रक्षाबंधन का ये उपहार है। हाँ। कि मुझे, मैं तो आप ये कलाई आपके पास तो पता नहीं कब जाएगा कब नहीं, लेकिन अगर आप इस सिनेमा को देख लेंगे तो हमारे लिए समझिए कि वो राखी का भेंट है और हमारे लिए एक भाई के लिए राखी का उपहार है, तो आप मुझे ज़रूर उस बस एक धागा समझ के उस सिनेमा को देख लीजिएगा, मैं उसको स्वीकार लूँगा। ओके सो कल आप सबका श्रावण खत्म हो रहा है, सो श्रावण की आप सबको ढेर सारी बधाइयां, और बस भगवान से प्रार्थना करिएगा कि हमारा संघर्ष सुपर डुपर हिट हो, एंड बस आप सबकी दुआएं चाहिए और आप सब देखने जाइए, तब आप जाके अब कहिएगा कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में अच्छी फिल्में नहीं बनती है, खास करके हमारे मीडिया पार्टनर्स जो हमें यहाँ तक पहुँचाए हैं,
हमारी न्यूज़ लाके सब पूरी जनता को दिखाते हैं। तो खास करके आप सब ज़रूर जाइएगा देखने संघर्ष, और अपनी फैमिली को लेके जाइएगा और बताइएगा कि ये फिल्म इसमें वल्गरिटी है या नहीं है। सो ज़रूर देखिए, और हमारी पूरी संघर्ष की टीम को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए, और बस मैं यही कहूँगी। थैंक यू सो मच विमलेश कुमार जी, रवि कुमार हाय हेलो, थैंक यू सो मच संतोष कुमार। मैं जब भोजपुरी इंडस्ट्री में आई थी तब काफ़ी ऐसी फिल्में बनती थी, वल्गर फिल्में, लाइक मैं खुद भी उस चीज़ में वो करती थी कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, मुझसे नहीं हो पाएगा, जो फिल्में मैं अपने फैमिली के साथ ना बैठ के देख सकूँ। सो वो करने का मतलब ही नहीं है। कल मैं अपनी माँ के साथ फिल्म देखने गई थी, और ज़्यादातर जो भी मैंने फिल्में करी है मैं अपनी माँ के साथ जाके देखी हूँ सारी फिल्में। सो बस आप सब भी लोग जाके देख सकते हैं, सो ज़रूर देखिए, और हमारी पूरी टीम को संघर्ष को एक बार फिर सिखाऊंगी, ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए, और मूवी को लाइक करिए और देखिएगा ज़रूर संघर्ष, जो कि कल रिलीज़ हुई है, और मैं चाहूँगी कि आप इसको गोल्डन जुबली बनाएं, और बस इतनी दुआएं करें। थैंक यू सबको, और राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए, हाँ। जो हमारे फौजी भाई सीमा पे हैं उनके लिए, उस बहन की तरफ से मैं विश कर लेता हूँ कि आप लोग है बस देश का रक्षा कर रहे हैं, हो सकता है कि राखी आपके पास ना पहुँचे, लेकिन बस उस बहनों को ढेर सारी दुआएं दीजिए कि ऐसा ही उनका कलाई हमारे कलाई को। मैं तो कहूँगी कि हर भाई की एक बहन होनी चाहिए घर में, नहीं तो उसकी कलाई सुनी रह जाएगी। सो राखी बांधने के लिए बहन का आना तो बहुत ज़रूरी है, और तभी तो रक्षाबंधन का त्यौहार माना जाता है कि बहन और भाई होना तो बहुत ज़रूरी होता है, और अगर रक्षाबंधन है सो मेरी तरफ से सारे भाई और बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और बस हमेशा संघर्ष करते रहिए। संघर्ष क्यों करेंगे? संघर्ष करेंगे तभी तो अपने जीवन को आगे लेके जाएंगे। नहीं, जीवन संघर्ष ही तो है। हाँ, जीवन तो संघर्ष है ही, पर दिल से वर्क करिए तो अच्छे से करिए, दिल से करेंगे, मन से करेंगे तो इतना संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, बट बस हमेशा खुश रहिए यही कहूँगी, और जाके मूवी एक बार ज़रूर देखिएगा, और मल्टीप्लेक्स में लगी है तो ज़रूर देखिएगा, हर जगह लगी है सो ज़रूर देखिए। सो सी यू सून, अब फिर मुलाकात होगी, एंड कल कितने लोग देखने जा रहे हैं आप ज़रूर मैसेज करिए इस पे। हाँ, और अपना फोटो डालिएगा ऑफ कोर्स, और okay. जो फिल्में देख रहे हैं और हमें रिव्यूज भी बताइएगा, खास करके मुझे, मैं तो कमेंट्स पढ़ती हूँ, डेली पढ़ती हूँ, और अभी भी काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, मूवी बहुत अच्छी बनी है और बहुत अच्छा वर्क भी किया है सब लोगों ने, काफ़ी कमेंट्स अच्छे अच्छे आ रहे हैं, सो आप सब ज़रूर देखिए, आप सब भी कमेंट्स पढ़ सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगेगा हम झूठ बोल रहे हैं, बट आप सब भी देख सकते हैं, सो प्लीज़ जाइएगा ज़रूर, एंड सब लोगों ने बहुत अच्छा वर्क किया है इस मूवी में, सो देखिए। खास करके अवधेश मिश्रा जी, यस ऑफ कोर्स, वो तो बेस्ट ही है हमारे इंडस्ट्री के, अवधेश मिश्रा जी जो कहे जाते हैं, सो वो तो सबसे बेस्ट है, और उन तक तो कोई नहीं पहुंच सकता, बट सब लोग कोशिश कर रहे हैं। सो फर्स्ट टाइम हम लोग एज वाला लुक भी तो हमारा फर्स्ट टाइम आया है इस फिल्म में, एंड बहुत मेहनत करी है, और खिसारे जी ने भी बहुत मेहनत करी है, शरारती बच्चों का काम किया करते थे। हाँ, अभी तक तो हम सिर्फ बच्चा बच्ची बने हैं और लव शव करते हैं, गाने रोमांटिक होती है, शादी होती है, एंड हो जाता है, लेकिन शादी के बाद बच्चा होना, बेटी होना, उसके बाद उसको पढ़ाना लिखाना, इन ऑल सारी चीज़ें जो इतना संघर्ष किया है खिसारे जी ने और पूरी फिल्म में, सो बहुत अच्छा बना है, एंड मैंने बहुत इन्जॉय किया, सो आप सब भी ज़रूर देखिएगा, और अपने फैमिली को भी दिखाइए, खास करके अपने घर की औरतों को, जो माँ बहन बेटी बीवी जितनी भी लोग हैं सबको दिखाइए, अपने पिता और अपने बेटी से प्यार हो जाएगा। ऑफ कोर्स, जिन जिन लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं बेटी बेटी का कोई वजूद नहीं है, बेटी बाप से का कोई वजूद नहीं है, वो भी देखें। हाँ, बाप का वजूद नहीं होता, क्योंकि बाप एक बाप कितना स्ट्रगल करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाता है, पढ़ाता है, ये उसमें नहीं दिखाया है आपने? हाँ। तो जो बच्चे अपने माँ बाप को धोखा दे देते हैं, हाँ। उनके लिए तो जरूरी है ना,
उस बाप का स्ट्रगल देखे और हर बाप तो ऐसा ही करता होगा ना बेटा। यस, ये मैं ये कह सकती हूँ कि जो फादर्स होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, हम लोग की पढ़ाई लिखाई से लेके शादी तक उनको बहुत खर्चा करते हैं और हर एक चीज़ हमें देने की कोशिश करते हैं जो उन लोगों को नहीं मिली है उनकी लाइफ में। बिकॉज जैसे जैसे जो आगे बढ़ता जा रहा है, वर्जन आगे बढ़ती जा रही है, हमारे सबकी लाइफ आगे बढ़ता जा रहा है, फ्यूचर आगे बढ़ता जा रहा है सारा चीज़, तो उस हिसाब से देखा जाए तो यस, उन लोगों को जो खुशियाँ नहीं मिली है उनके लाइफ में, तो आज वो खुशियाँ अपने बच्चों के थ्रू पूरा कर रहे हैं। सो मैं तो यस ऑफकोर्स फादर्स को तो सल्यूट है ही, और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि सिर्फ फादर्स ही करते हैं, जो माँ होती है वो भी बहुत संघर्ष करती है, वो फैमिली में संघर्ष करती है, सबको संभालना है पूरे फैमिली को, सास ससुर हो या जो भी हो, घर में बच्चे हो, हर एक चीज़ घर संभालना, एवरीथिंग। सो वो सबका संघर्ष तो है ही, ज़िंदगी एक संघर्ष बन के ही आती है, बच्चे जब पैदा होते हैं तब से लेके एंड तक, जब तक एंड तक समझ जाइए, सो तब तक संघर्ष ही होता है, बट दिल से अपने मन से और बस खुशी से हर एक चीज़ काम करिए, सो सब कुछ अच्छे से जाएगा, लाइफ अच्छे से बीतेगी। और उन सारे बच्चों को कहूँगी, बेटी बेटे जो भी है, बेटा बेटी दोनों माँ बाप को तंग करते हैं, मैं भी कर चुकी हूँ, ये भी कर चुके हैं, आज भी करते हैं टाइम कहाँ मिलता है मुझे माँ बाप को तंग करने के लिए। हाँ, इसीलिए 24 घंटा तो वर्क करता हूँ, देख रहे हैं आप, मैं भी सोया भी नहीं बेचारे। सारे बेटी बेटियों को कहूँगी एक बार मूवी ज़रूर देखिएगा और माँ बाप को कभी तंग मत करिए, बस उनकी खुशी किस में है वो आप लोग पूरी करिए, और उन लोगों को जो खुशी नहीं मिली है उनके लाइफ में वो आप पूरा करने की कोशिश करिए, तो दिल से जो दुआ है कि वो आपका संघर्ष का जो टाइम होगा वो कम होगा। अगर एक आदमी भी सिनेमा को देखकर अपने माँ बाप का कदर करने लगा और एक आदमी एक लड़का या लड़की भी अपने पिता के संघर्ष को देखकर अगर उसकी नाम आगे बढ़ाने के लिए अगर कुछ किया तो शायद सार्थक हो जाएगा हमारा सिनेमा बना। yes. हमें हमारा फल मिल जाएगा उसी चीज़ को लेके कि माँ बाप के लिए और माँ बाप की हमेशा अहमियत अपने सीने में जहन में रखिए, और उनकी बहुत अहमियत है हमारी लाइफ में, तब जाके हम यहाँ हैं। सो प्लीज़ माँ बाप से प्यार करिए और उनको हमेशा खुश रखिए, और अपने दोस्तों से भी ज़्यादा उनको आगे रखिए, मैं यही कहूँगी, बिकॉज वो ब्लैक सकती है। खाने के लिए माँ आपका वेट करेगी, दोस्त तो नहीं करेंगे। वो सुबह उठ के वो सोचेगी कि आप क्या खाओगे, क्या नहीं खाओगे, क्या पियोगे, क्या नहीं पियोगे, सो माँ ख्याल रखती है, पापा रखते हैं कि सारी चीज़। तो जाइए और संघर्ष देखिए, और बस हमारी संघर्ष की पूरी टीम को ढेर सारी दुआएं दीजिए, और संघर्ष की पूरी टीम की तरफ से मैं आप सबको, हम दोनों आप सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे, और संघर्ष ज़रूर देखिएगा, और उसमें बहुत सारे हमारे सोनू जी हैं, इंदर हैं, आज़ाद है, बहुत सारे लोग हैं, कभी जी है सीन में नहीं है, मूवी में, ओके ओके मूवी में सब लोगों ने वर्क किया है, तो ज़रूर देखना है। चलो फ्रेंड्स, सी यू, लव यू, फिर मिलते हैं, और हमारे संघर्ष को बहुत आगे बढ़ाइएगा, लव यू।